राजस्थान में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहने की संभावना दिख रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत की ओर जाती दिख रही है। फिलहाल भाजपा 115 और कांग्रेस 67 सीटों पर आगे है। वहीं 17 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। पहला नतीजा भाजपा की झोली में गया। दुदू से भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस के बाबूलाल नागर को हरा दिया। आधिकारिक घोषणा बाकी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं। आमेर सीट से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी पीछे चल रहे हैं। शुरू में पिछड़ने के बाद सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने बढ़त बना ली है। बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस को निर्दलियों ने बहुत पीछे कर दिया है। यहां कांग्रेस तीसरे और भाजपा पांचवें नंबर पर है। सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। वहीं विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी आगे चल रही हैं। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था। श्री करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव नहीं हुए हैं।